सो हेलो गाइस, जैसा कि आज पूरा ब्लाइंड हमें जाना था ब्लाइंड स्कूल, तो सुबह से प्लान कर रखा था, जैसे कि वो सोनू भैया आने वाले थे, तो अभी मैं आपको मिलाने वाला हूँ सोनू भैया से, जो कि आ चुके हैं ऑन द टाइम और स्टार्ट होने वाला हमारा ब्लाइंड ट्रस्ट का प्रोग्राम। सो हेलो गाइस, नमस्ते भाई, लोग मिस कर रहे थे आपका ये हेलो गाइस, अब आपने बोल ही दिया। Bye-bye. आ गए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करा इन्होंने, तो देखते हैं कैसे आगे। कैसा लग रहा सोनू जी आपको आज इतने सारे ब्लाइंड बच्चों को देख के, और आज आप बहुत इमोशनल से भी हो गए हो। भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि भगवान इनको बहुत जल्दी से ठीक करें, बाबा भोलेनाथ, और मैं इनके लिए कुछ अगर कर पाऊँगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सो हेलो गाइस, और आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है इन बच्चों के साथ बैठ के, बहुत अच्छी फील आ रही है। अभी सुनो भैया सबसे एक एक करके बात करके आए हैं, नाम पूछ के आए हैं, थोड़ी देर में इनका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आई गेस हम तो नहीं होंगे प्रोग्राम में क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैक टू बैक आज ऑफिस में भी प्रोग्राम है, तो वहाँ भी देखना है, और बाकी बच्चों से मिल के बहुत मज़ा आ रहा है यार गाइस। यार गाइस मैं सच बताता हूँ, जो रियल लाइफ है ना वो यही है। एक्चुअली हम ना बहुत ब्लेस्ड हैं और हम अपने आप में बहुत सारी कमियां सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। आप यहाँ के देखिए कि भगवान ने आपको कितना हेल्दी और वेल्दी बनाया है। आप इनके मन से पूछिए, देखिए कितने दुखी हैं और फिर भी खुश हैं। हमें भगवान ने आँख दी है, हाथ पर अच्छे दिए हैं, स्वस्थ बॉडी, दो पैसे भी दिए हैं और काम दिया है, और भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए एवरी मोमेंट। लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो। अब मैं बात करता हूँ आपकी कृपाल। हाँ सर, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी रखे हुए हैं। क्या प्रोग्राम्स रखे हुए हैं आपने? जीके का भी है और कुछ बच्चे गायन भी करेंगे। गायन करेंगे और जनरल नॉलेज। हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, जो तू ले जाए तुझे जहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना मुझको पता। थैंक यू। और आपका
थ्री कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो गाइस ऑलमोस्ट ब्लाइंड स्कूल का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। हम बहुत सारे बच्चों से मिले, बहुत मज़ा आया। कुछ लोगों ने सुन लिया, ने बात करी, उनके हाल चाल पूछे, बहुत चीज़ें ऑफर भी की गई हैं, है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उनका प्रोग्राम, ठीक है। तो गाइस ब्लॉग पे बने रहना, आज का ब्लॉग ब्लॉग नहीं है, आज का ब्लॉग है इमोशन। और एवरीबडी जो भी आप हमें देख रहे हो, सब थोड़ी थोड़ी कोशिश करो यार कि हम आपस में अपने आसपास जाएं, लोगों को मिले। समय तो लगा, खैर कोई बात नहीं, समय तो लगता ही रहता है। क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कभी भी कोई भी कार्य हकीकत में अपने टाइम पर शुरू नहीं होता है। बहुत बढ़िया। ये भी अपना एक छोटा सा संस्थान है और कोई ना कोई कारण लगे ही रहते हैं जिन कारणों से कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मंच की ओर आ जाएं, सभी लोग मंच पर पहुंच जाएं। इनके जो साथी हैं, जो हमारी संस्था के कलाकार हैं, मिस्टर जगदीश, मनीष, अजय सर, अजय असलम और जो भी इनके साथ में हैं, ये सारे नाम जगदीश जी के पास में हैं, वो अनाउंस कर दें कि जो जो इनके शुरू खुश होता है तो मानव की क्या ईश्वर के सामने चलती है। और ईश्वर को सुना तो राहुल सर और उनके दो और साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राहुल जी हैं और उनके दो साथी सोहित कुमार गुप्ता जी और तारे जी। ये तीनों हैं कि हमने केवल मन में सोचा कि शायद कोई एक मेहमान आए, हमने केवल मन में सोचा कि शायद कोई एक मेहमान आए, लेकिन प्रभु की एक ऐसी कृपा होगी कि हमें तीन तीन मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए। सोहित कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि वो दीप प्रज्वलित सोहित कुमार गुप्ता सर, राहुल से निवेदन करूँगा कि वो दीप प्रज्वलित करें। था वो बेचारा कहता था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, लेकिन अब उसकी भी गलती नहीं थी, उसकी भी कोई कमी गलती नहीं थी। माननीय राहुल सर, माननीय सोहित गुप्ता सर कर रहे हैं और तो ठीक पचली हमारे राहुल सर, सोहित सर हमारे संस्था के छात्र मनीष कुमार सर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तालियां। इसके बाद जोरदार तालियों का स्वागत मिस्टर कुमार गुप्ता जी का। और हेलो गाइस, ये आए हैं गोरखपुर से दिग्गज कलाकार। अगली परफॉर्मेंस इसके, ये भी ब्लाइंड पीपल हैं,
और खास शाहदरा स्कूल के ब्लाइंड पीपल ने स्कूल ने इनको इनवाइट किया है प्रोग्राम के अंदर। माइक से माइक के द्वारा पोस्टर किया जाएगा, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि आपको आज आपका है विशेष आप ध्यान रखें बाहर से आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने राहुल भाई के साथ आज मुझे इन्वाइट किया है, मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने सम्मेलन में मिल के आगे पूरे लोगों से मिल के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे मुझे नहीं पता कि अपनी आंखों से किस तरह को दुनिया को देख पाते हैं लेकिन इस तरह से ही देख पा रहे हैं, तो इन लोगों का जो मैं दर्द है और वो चीज़ें हैं मैं महसूस कर रहा हूँ इन लोगों के साथ जुड़ के, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अपने खुशी बांटो जय जय भारत।